आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। यूपी में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशी जनता से समर्थन मांगने के लिए चुनावी मैदान में इस वक्त नजर आ रहे हैं। साथ ही सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वही सभी प्रत्याशी क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं से निजात दिलाने के भी वादे कर रहे हैं। वही पहली बार मोहनलालगंज को नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद निकाय चुनाव कराए जा रहे हैं, जिसको लेकर मतदाताओं के बीच काफी उत्साह भी देखने को मिला। साथ ही आने वाली 4 मई को पहले फेज का मतदान होना है, जिसमें लखनऊ में भी चुनाव होगा। वहीं प्राइम टीवी प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में जाकर और प्रत्याशियों के विचार को जान रही है। इसी क्रम में नगर पंचायत मोहनलालगंज के बसपा पार्टी के प्रत्याशी रामशरण रावत से खास बातचीत की है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर काम करेंगे और इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए सुनते हैं और छोड़ चलते हैं आपको इस रिपोर्ट के साथ। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है, सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए शीर्ष नेताओं को भेज रहे हैं और प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में जाकर आम जनमानस से, जो तमाम मतदाता हैं, उनसे अपने पक्ष में मतदान करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। वहीं प्राइम टीवी की टीम प्रदेश भर में घूम के प्रत्याशियों से उनका तमाम मुद्दों पर जानकारी ले रही है और उनसे ये भी पूछ रही है कि अगर आप चुन के आते हैं, जनता आप पे विश्वास जताती है, तो किन मुद्दों पर काम करते हुए नजर आएंगे। इसी क्रम में नगर संग्राम के इस खास कार्यक्रम में प्राइम टीवी टीम मोहनलालगंज नगर पंचायत पहुंची है और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से रामशरण रावत को विश्वास जताया गया है, इन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। रामशरण जी, सबसे पहले आपका प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत। हमें ये बताएं कि किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं। मैं सबसे पहला, मेरा मेन मुद्दा है जिन लोगों के पास आवास नहीं है, गरीब हैं, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, उनको सबसे पहला काम है आवास देना। दूसरा काम जो है नाली जो टूटी फूटी है, पानी गलियों में बह रहा है, उसको सुधार करना। तीसरा काम है रोड, चाहे जैसी हो, चाहे इंटरलॉकिंग का हो, डामर का हो, जो भी विकास आएगा उसको हम कराएंगे। ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर बात की जाए तो मैं आपके क्षेत्र में आ रहा था, पहली दफ़ा ये नगर पंचायत में चयनित हुआ है, अब तक ग्राम सभा था, विकास कार्य कहीं ना कहीं यहाँ प्रधानमंत्री आवास कहीं ना कहीं विफल नजर आया है, लोगों से मैं बात कर रहा था, शौचालय कहीं ना कहीं लोग सड़कों पर करते हुए नजर आ रहे हैं, आवारा पशु कहीं ना कहीं खेतों में नजर आ रहे हैं। अगर आप चुन के आते हैं तो कैसे इसे आम जनमानस को, आम जनता को निजात दिलाएंगे? जिन लोगों का शौचालय रोड बना है, इन लोगों को दोबारा या जैसे व्यवस्था होगी उनको घर के बगल में ही शौचालय का दिया जाएगा। अच्छा, अगर बात की जाए तो आप जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? और आप भी अगर बात करें तो क्षेत्र में लगभग बताया जा रहा है कि 25,000 से ऊपर वोटर हैं, कितनी चुनौती है आपके लिए? यह तो आंकड़ा हम तो हम कुछ बता नहीं सकते हैं, ये तो जो बताएगी आम पब्लिक ही, वोटर ही बता सकता है हमारा कई परसेंट वोट है, कितना है कितना नहीं, इस बात को कुछ बता नहीं बता सकते हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि भारी तादाद में महिलाएं और पुरुष भी आपके साथ हैं, आपकी धर्मपत्नी हैं, आप महिला मंडली का अगुवाई कर रही हैं, क्या लोगों के पास जाकर किस तरह का बात कर रही हैं और किस तरह से समर्थन मांग रही हैं? सर, हम तो बस यही कह रहे हैं सबसे कि अपना मतलब मतदान देकर हमें सहयोग करिए, और जनता मतलब हमारी मतलब क्या कहते हैं सपोर्ट कर रही है, साथ दे रही है हमको, बस और हमें क्या चाहिए। और बहन मायावती जी ने हम लोगों को मतलब ये मौका दिया है तो कुछ कर दिखाने का, और जैसे कि हम लोग वैसे नहीं हैं कि जीतने के बाद में मुकुर जाएं, जो हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे, रोड नालियां, जिनके आवास नहीं है उनको आवास, शिक्षा की व्यवस्था सर, और जो वृद्धाएं हैं उनको पेंशन की व्यवस्था, जो हमसे हो सकेगा वो करेंगे। बात की जाए तो अब तमाम महिलाओं से यहाँ पर आपके साथ में हैं, इनकी प्रमुख समस्याएँ क्या है, क्योंकि सड़कों पर कहीं ना कहीं लोग शौच करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सर, जिनके यहाँ मतलब शौच की व्यवस्था मतलब लैट्रिन नहीं है, तो उनको हम लोग दोबारा देने के लिए तैयार हैं, जहाँ कहेंगे वहाँ बनवाने के लिए तैयार हैं सर। अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से शौचालय के लिए एक इज्जत घर स्कीम आई, योजना आई, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना आई, आपके क्षेत्र में ये योजनाएं कितना धरातल पर उतरते हुए नजर आ रही हैं? भैया, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, ठीक, जो है शौचालय
गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक, उन्होंने घर पे अपना नहीं बनाया, रोड पर बना लिया है, जो उनका लैट्रिन का पानी जो भी है रोड बह रहा है, ठीक। हमारा कहना यही है कि अगर दोबारा हमको आम पब्लिक मौका देगी, चुनाव जिताएगी, तो उनको दोबारा शौचालय कायदे का सही तरीके से बनवाएंगे हम, जो जो उनका जो लैट्रिन का पानी जो भी है वो रोड पर ना बहे। जनता से क्या अपील करेंगे, अगर बात की जाए तो मोहनलालगंज नगर पंचायत की जनता से आप कुछ शब्दों में क्या अपील करना चाहेंगे? अगर बात की जाए तो आप अपील के तौर पर देखा जाए तो आप आम जनमानस से कैसे समर्थन मांगेंगे? समर्थन ये मांग रहे हैं भैया, जो आप हमको वोट दोगे, जो हमारे सेवा लायक है, मकान भा, कॉलोनी भा, रोड भा, नाली भा, लाइटिंग भा, पेंशन भा, अनाज भा, राशन कार्ड नहीं, इनका राशन कार्ड जो दिलाने का मैं प्रयास करूंगा। आप क्या कहेंगे मैम? अपील सर यही जो ये कह रहे हैं वही जी, बिल्कुल। तो हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के मोहनलालगंज से चेयरमैन के प्रत्याशी थे राम शरण रावत जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे क्षेत्र के अंदर में जो प्रमुख समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे और शौचालय और साथ ही साथ आवास योजना को कहीं ना कहीं जमीन पर उतारेंगे। कैमरामैन विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।